दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और दोस्तों, मैं भी सबको सपोर्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और किसी पे कोई कटाक्ष मत करिए। मैं जब देखती हूँ ना लोगों की वीडियो, बहुत मतलब, और ख़ास तौर से ये लोग मेल हैं जो फीमेल पे इतना कटाक्ष करते हैं, इतनी गंदी गंदी बात है। मैं तो वो सीमा है, आप देखिए वो उसने किसका क्या बिगाड़ा। मैं तो यही नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आज़ाद भारत में सबको जीने का अधिकार है, वो भी जी रही है। तो कुछ औरतें हैं उस पर कमेंट करती हैं, कुछ जेंट्स हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे देख के, आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए प्लीज़। किसी के पर्सनल लाइफ में क्या ही झांकना है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, क्यों झांकना है किसी को? किसी को बोलना है तो एक कर ली, चार कर ली, अरे उसकी मर्जी है। बिना दुख का तो कोई औरत ना अपने पति को नहीं छोड़ सकती, वो भी चार चार बच्चों के बाप को। कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा, मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों की सोच है। बट ये है कि ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आज तो दिल्ली में बारिश हो गई और मैं भीग के ऑफिस गई, और जब मैं पहुंची पूरी तरफ भीग गई थी, क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी निकाली वैसे ही बारिश आ गई। और मैं भीगते चली गई, क्योंकि रुकती तो फिर देर हो जाता। फिर इस वजह से मैं ड्राइव करती रही, बारिश होती रही और मैं चलती रही, पूरी तरह भीग के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर मैंने फिर अपना कपड़े वगैरह सारा कुछ सुखाया। फिर उसके बाद मैं, बाद में फिर सूख गया, ड्राई हो गया। फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट हुआ। और बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, थोड़ा सा जो घुटन हो रही थी। और हर वक्त एसी चलाने का मन करता था, क्योंकि घुटन होती थी और पसीने से इतनी चिपचिप 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 बहुत पसीने, मैं तो बहुत परेशान हो गई। इतनी परेशान हो गई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी। इस साल गर्मी मैंने, आप देखिए, 25th ईयर्स बीत चुके हैं मुझे, लेकिन इतनी गर्मी कभी महसूस नहीं हुई जितनी कि अभी मुझे गर्मी इस साल महसूस हुई। बहुत ज़्यादा, जो कि बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत परेशान हो जाती थी। और रात में तो आराम से सो जाते थे हम लोग, पर दिन में वही फिर ऑफिस जाना है। आपको पता ही है, आप लोगों को दिन में ऑफिस जाना है और धूप में फील्ड का काम है हम लोगों का, इधर से उधर उधर से उधर भागना है, इधर भागो उधर भागो, हालत ख़राब हो जाती, चमड़ी जल जल जाती, इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही है, फिर भी कंपनी नहीं, कभी कहते हैं ना, जब कंपनी जीरो से करोड़ों में पहुंच जाती फिर वो नहीं समझती अपने एम्प्लॉयज़ को। वही हाल हमारा, हम लोगों का भी है। इतना हम लोगों ने जीरो से उसको करोड़ों में पहुंचाई है, आज एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और विदेशों में भी है। अपने भारत में तो है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे नहीं है, भारत में तो है ही है, वो बाहर में भी है, US में भी है, आप सोचिए। लेकिन फिर भी हम लोगों का कदर नहीं है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई दिवाली, कोई होली, कोई सेलिब्रेशन ही नहीं होती है उस कंपनी में जिसमें मैं काम करती हूँ। बहुत बड़ा अजीब लगता, लेकिन वही है, क्या ही करें। और दोस्तों, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है कुछ बातें करके, नहीं तो ऐसे चुप 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 से रहो। तो आप लोग भी हमारे भाई बहन ही हो, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अपने मन की बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ। और थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। अभी आप देखो, मैं आई हूँ 7:15 बजे, फिर मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाई, और मैंने एक चैनल और अपना बना रखा है, कुसुम भारद्वाज 1002 के नाम से। तो आप लोग उसको भी सपोर्ट करिए और इसको भी सपोर्ट करिए, इसको थोड़ा सा और सपोर्ट करिए और उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए। तो उस पर मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, और हमारे जो कैट्स हैं उनके बारे में ज़्यादातर डालती हूँ उस पर। तो
उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी बाकी कोशिश में लगे हैं दोस्तों, देखते हैं कब हमारी भाग्य खुलती है यूट्यूब पे। वैसे तो मेरा जो शौक़ था, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था गाने का, जो कि मुझे मौका नहीं मिला, और मुझे आज भी सिंगिंग करने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, और डांस करने का। लेकिन डांस वही है, घुटनों में सारा दिन भाग भाग के घुटनों में दर्द होने लगा, तो थोड़ा सा मन नहीं करता। एक तो ऑफिस से आके फिर मैं थक जाती हूँ, और जब थक जाती हूँ फिर काम से आओ फिर थक जाओ, फिर उसके बाद करने का मन नहीं करता है। और छुट्टी हमारी होती नहीं है, 7 डेज हम लोग वर्किंग होते हैं, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम है। लेकिन वही है, क्या ही करें, कुछ करना है तो कुछ गंवाना तो पड़ेगा, तो इसलिए चल रहे हैं जब तक चल रही है। और आप लोग अगर सपोर्ट कर दिए तो यूट्यूब चैनल हमारा ग्रो कर जाएगा, तो फिर इतना भागना नहीं पड़ेगा। और बाकी शिवानी का आप लोग देख ही रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं तो भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि और आगे जाए वो, और उसको आप लोग खूब सपोर्ट करिए, खूब सपोर्ट करिए और आगे जाए वो, क्योंकि उसकी इच्छाएँ जितनी भी अधूरी रह गई वो सारी कंप्लीट करें, मैं तो यही कहूँगी। और हर एक बेटी करें, वही नहीं हर एक बेटी करें, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और मैं भी काफ़ी उड़ान भरी हूँ, ठीक है। और पीछे हमारे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, और आज तक मैंने जो चाहा वो मैंने किया, हमारे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया कि ये तुम ये काम नहीं करोगी, नहीं, वो कहते हैं जो अच्छा लगे वो करो, और मैं वही करती हूँ। तो उस बेचारे के पीछे तो उसके फादर का भी सपोर्ट नहीं है, एक मामा थे वो भी एक्सपायर हुए, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद वो आगे गई है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते, आप लोग चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सबको सपोर्ट करिए, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आगे जाएंगे, बस यही है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक छोटे से ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग हमने बनाई वो अभी मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग देखिए कुछ कुछ वार्तालाप हम लोगों की, सुनते रहिए आप लोग, देखते रहिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू।